ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंडेंट है। तो बच्चों पॉइंट नंबर वन है फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। तो ईथर के कार्बन थ्री तक वाले जो कंपाउंड होंगे यानी क्या है कि डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, ये कंपाउंड कमरे के ताप यानी एट द रूम टेम्परेचर गैस के स्टेट में होगा। क्योंकि बच्चों यहां जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स है वो कम है और इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो भी कम है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहना चाहेगा। तो दूर रहना चाहेगा तो स्टेट क्या होगा, गैस होगा। जैसे ही कार्बन तीन को पार कर लेगा मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा और ये मॉलिक्यूल थोड़ा सामने सामने रहना चाहेगा जिससे उसका स्टेट क्या लिक्विड हो जाएगा। यानी बच्चों यदि कार्बन थ्री तक है तो ईथर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बहुत कम है तो ये दूर दूर रहना चाहेगा, स्टेट क्या है, गैस। और जैसे ही कार्बन थ्री से ज्यादा हो जाएगा ईथर में वो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन बनाएगा ज्यादा तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ईथर के सारे मॉलिक्यूल बच्चों कलरलेस कंपाउंड है। तो आप यदि आप पॉइंट नंबर वन को पढ़ते हैं तुरंत आपको याद होगा, एश्योर एक बार पढ़ लीजिए याद पक्का है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू में अल्कोहल और ईथर के कंपाउंड का स्ट्रक्चर का डिस्कस करना है। बच्चों इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान, स्ट्रक्चर का जो पोजीशन है बॉन्ड का वो भी एक समान, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड, इनमें नंबर ऑफ लोन पेयर भी एक समान है, हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, लेकिन बच्चों कुछ तो बात है इसमें। अब वो क्या डिफरेंस है, देखो ये ROR ये है इसका लोन पेयर, ये है ईथर, ये है ईथर के मॉलिक्यूल, और ROH ये है अल्कोहल के मॉलिक्यूल, ये है अल्कोहल, क्योंकि OH दिख रहा है ये अल्कोहल है। इसका जो बॉन्ड एंगल वैल्यू है, इसका बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री। बॉन्ड एंगल मतलब होता है कि एक सेंटर में कोई एटम है और जो अट्रैक्शन हुआ है दो एटम के बीच का जो वैल्यू एंगल वैल्यू होता है वो बॉन्ड एंगल होता है। तो बच्चों बॉन्ड एंगल हम लोग देख रहे हैं कि ईथर का ज्यादा है एज द कंपेयर ऑफ अल्कोहल। तो इसका खास वजह क्या है, खास वजह है क्या है कि इसमें दो दो अल्काइल है, इसमें एक अल्काइल है। तो बच्चों यहाँ पे अल्काइल ज्यादा होने से कार्बन का भीड़ ज्यादा है, अब कार्बन ज्यादा है तो हाइड्रोजन भी ज्यादा है। तो बच्चों जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन तो दोनों ओर से होगा लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। तो बच्चों जैसे ही ये जो एंगल है यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम लोग दूर दूर रहेंगे। तो यहां पर देखो दोनों और अल्काइल पार्ट है, इलेक्ट्रॉन का भीड़ ज्यादा है इसलिए ये बॉन्ड चाहेगा कि थोड़ा सा दूर में रहेंगे। यहां पर देखो यहां R है यहां पर H है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का भीड़ कम है क्योंकि अल्काइल का भीड़ यहां पर कम है, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल का वैल्यू है वो क्या है वो कम हो जाएगा। लेकिन इथर में क्या होगा, थोड़ा सा बॉन्ड क्या होगा थोड़ा सा फैल जाएगा, थोड़ा यदि ऐसा है तो ऐसा फैल जाएगा क्योंकि यहां पे भीड़ ज्यादा है। इस बात को हम लोग शॉर्ट वर्ड में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक बच्चे यहां पे देखो दिया गया है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा कोई प्रभाव का बाधा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ईथर और अल्कोहल का फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम,
हाइब्रिडाइजेशन भी देखो sp3 होता है क्योंकि दो दो लोन पेयर है या दो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर दो, तो क्या दोनों ही sp3 है। लेकिन इसका जो एंगल वैल्यू है वो क्या ज्यादा है, ज्यादा क्यों है, तो बच्चों यहाँ पे पूरा पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ये पूरा आपको लिख देना है। इस तरह से पॉइंट वन और टू एक बार पढ़ लें, एक बार पढ़ के आपको याद पक्का है, इसको बढ़िया से नोट कर लें। अब बच्चों अगला पॉइंट है इथर का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, यदि ये कोई कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड को अलग करने में जो हीट हम लोग देते हैं, इस हीट के अमाउंट को ही हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें कंपेयर करना है अल्कोहल और इथर से कि किसके लिए ज्यादा हीट खर्च करना पड़ेगा अणुओं को अलग करने के लिए या फिर मॉलिक्यूल को बेहतर फेज में लाने के लिए। तो ये दोनों का सेम फॉर्मूला, इसलिए हम लोग एक शॉर्ट वर्ड में कहते हैं आइसोमेरिक, इन्हीं समावयी हिंदी में, दोनों का सेम फॉर्मूला लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक समान नहीं है। तो बच्चों जनरली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, या बोलेंगे हम लोग इथर का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो खास रीजन क्या है, रीजन ये है कि बच्चों अल्कोहल, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जबकि ईथर के मॉलिक्यूल के बीच कोई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा जो कि अल्कोहल में होगा। ईथर में कहा जाए तो आर ओ आर है और ये देखो लोन पेयर है। अब होता यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कुछ शर्त होता है, शर्त नंबर एक एटम का ईन वैल्यू ज्यादा है, वो तो है, लोन पेयर है लोन पेयर भी है। दूसरा ऐसा रूल है कि जिस एटम का ईन वैल्यू ज्यादा है उस पे हाइड्रोजन एटम अटैच रहे, तो बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, ओ के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सके। इसलिए ईथर ईथर के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होना पॉसिबल नहीं है और यही वजह है कि ईथर के मॉलिक्यूल वो कम हीट पर ही अलग हो जाएगा। ऐसे ईथर का मॉलिक्यूल बच्चों कमरे के ताप पर ही क्या होता है, ढक्कन यदि खोल दिया जाए उसका, तो मॉलिक्यूल धीरे 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 बाहर निकलने लगेगा और हीट बढ़ने से और ज्यादा, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल की तरह होता है, जैसे आप देखे हो पेट्रोल डीजल कैसे बाहर निकलता है, या फिर इत्र देखे हो, परफ्यूम देखे हो, ढक्कन खोल दोगे तो इधर बाहर निकलेगा, वैसे ही क्योंकि इसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही लूज होता है, बहुत ही पुअर होता है। तो यहाँ पर जो जो कहा गया है कि देखो इथर और एल्कोहल के बीच एक आइसोमेरिक को लिया जाए तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, इथर का लो होता है क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, इसी का हिंदी यहाँ पे किया गया है। अब इसी से एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी 22 नंबर में कि मिथॉक्सी मीथेन और इथेनॉल को कंपेयर किया जाए तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, क्यों? तो खास रीजन ये है कि बच्चों इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जबकि मिथॉक्सी मीथेन इथर होता है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग करने के लिए यानी तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है यानी हाई होता है। किससे हाई होता है, तो मिथॉक्सी मीथेन से, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा से हम लिख दिया हूं, वो आपको अब तुरंत मिलने वाला है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल एक रोल है, देखो ये अल्कोहल है और ये इथर है, तो लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया है कि वो अल्कोहल है
तो उसका 390 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होगा, और यदि वो ईथर है तो 308। दोनों का फॉर्मूला एक है, मोलर मास एक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट का मेन वजह क्या है, वो है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों ऐसा बनाना पड़ेगा आपको कि देखो अल्कोहल जो है वो ROH ये अल्कोहल है, ये ROH अल्कोहल है, यहां भी एक ले लिए अल्कोहल है, तो ये जो ऑक्सीजन है इसका इन वैल्यू ज्यादा है, लोन पेयर है, तो इसके लोन पेयर ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या है प्लस, ये क्या बच्चों अट्रैक्ट करेगा, इसलिए माइनस, इन वैल्यू ज्यादा है और ये एच को खींचे, इस तरह से इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आ सकता है, इस तरह से इधर भी मॉलिक्यूल आ सकता है, तो ये क्या है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जो काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि ज्यादा। जैसे बच्चों यदि आपका दोस्ती बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, तो इसे तोड़ने में बहुत ही मुश्किल होगी, और यदि आपका दोस्ती में क्या कमियां खमियां होगी तो जल्दी ही वह टूट जाएगा, तो वो क्या इधर होगा, और जो आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो वो क्या अल्कोहल होगा, अल्कोहल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए ज्यादा हीट लगेगा, क्योंकि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसको लिख ले अच्छा से, और इसके बाद में 22 नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन का नोट तुम लोग को दे रहा हूं। तो बच्चों अगला पॉइंट है सोलुबिलिटी यानी विलयता। इट इज वेरी सिंपल, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में डिसॉल्व करना अर्थात घोलना ही उसका विलयता या सोलुबिलिटी कहलाता है। हमें चेक करनी है कि ईथर के कंपाउंड क्या वाटर में सोलुबल है या नहीं है। तो बच्चों ईथर के जो कंपाउंड होता है ये वाटर में सोलुबल है, क्योंकि ये वाटर के साथ मिलते ही इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। अब जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे आप अल्कोहल में आप पड़े हो, फिनॉल में आप पड़े हो, वैसे ही ईथर एकदम हेडिंग लगा सकते हो वैसे ही सेम। लेकिन यहां पर यदि कहा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा, तो देखो क्वेश्चन जैसे भी रहे यदि आप हाइड्रोजन बॉन्ड की बात किया जाए तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड तो करना पड़ेगा, फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ये है ईथर के मॉलिक्यूल्स, ईथर के मॉलिक्यूल्स में ओ के पास लोन पेयर है, जैसे ही इसमें वाटर का मॉलिक्यूल आता है, वाटर के मॉलिक्यूल आने से ही इसका जो लोन पेयर होता है बच्चों, ये लोन पेयर के वजह से ये हाइड्रोजन का अट्रैक्शन हो जाता है, ये यहां से अट्रैक्शन हो जाता है। ऑक्सीजन का इन वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहां पर ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव, और एच क्या है पॉजिटिव, ये एच क्या है पॉजिटिव, और ये ओ क्या है नेगेटिव, और ये सब क्या, ये सब है लोन पेयर, ये सब है लोन पेयर, जिसके चलते ही अट्रैक्शन ज्यादा हो पाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम क्या है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी बॉन्ड के चलते क्या है कि ईथर के मॉलिक्यूल वाटर में सोल्युबल है। लेकिन बच्चों ईथर के सारे कंपाउंड वाटर में सोल्युबल नहीं है, तो ऐसा है कि जब R का वैल्यू मिथाइल होगा और कुछ हद तक इथाइल होगा तो ये सोल्युबल होगा, लेकिन जैसे ही यहां पे कार्बन के अमाउंट बढ़ जाएगा, इन हायर मेंबर ऑफ ईथर कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल, क्योंकि हायर मेंबर वाले जो ईथर होगा वो वाटर के साथ मिलकर कोई टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हायर मेंबर ऑफ ईथर क्या है वाटर में इनसोल्युबल है। लेकिन हायर मेंबर ऑफ ईथर जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बच्चों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ले लो,
लाइक टॉल्बिन ले लो, इन सब कंपाउंड में वो क्या है, सोल्युबल है, क्योंकि दोनों का श्रेणी सीरीज एक समान है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इधर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों में इंट्रैक्शन हो जाएगा। देखो जैसे यदि किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो उससे केमिस्ट्री का एक अट्रैक्शन है, वो लोग को जल्दी जल्दी क्लियर होगा क्योंकि वो उसमें सोल्युबल है। और जो लोग को आगे से ही केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है, तो उन लोगों को मुश्किल होगा, समझ में नहीं आएगा। तो बात यही है कि सोल्युबल तभी होगा जब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होगा, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो कंपाउंड इनसोल्युबल। तो इसको लिखे कैसे हम लोग, तो बच्चों लिखना है ऐसे हिंदी मीडियम लोग को कि कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और लिखें, निम्न इथर जल में विलय होता है क्योंकि निम्न इथर जल के साथ मिलकर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, परंतु उच्च इथर जल में अविलय है क्योंकि इसके मध्य इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं हो पाता है, परंतु उच्च इथर ऑर्गेनिक विलायक जैसे बेंजीन टॉल्बिन में विलय होता है। बस ये तो हो गया। अब अंग्रेजी मीडियम लोग ऐसे लिखेंगे कि लोअर मेंबर ऑफ इथर आर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इथर एंड वाटर मॉलिक्यूल, बट हायर मेंबर ऑफ इथर्स आर इनसोल्युबल इन वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अब इसके बाद ऐसा होगा कि हायर मेंबर ऑफ इथर आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन टॉल्बीन एटसेट्रा, यानी ईडीसी लगा दो। तो इस तरह से हम लोगों को लिख लेना है और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का डायग्राम है इसको बनाना मस्ट है, इसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि सोल्युबल क्या होता है कि आपस में दोनों का इंट्रैक्शन होना ही सोल्युबल है। ठीक है, लेकिन इथर इथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। इसे मान लो कभी आप देखे हो परफ्यूम को क्या के ढक्कन से ले लिए और लगा लिए ऐसा करके, पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चों परफ्यूम में इथर होता है और इधर इधर का जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए ढक्कन खोलते ही वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इधर हमेशा सील ट्यूब में आता है। तो इधर वाटर में सोल्युबल है क्योंकि इधर को जैसे ही वाटर मिलेगा इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और वह उसमें सोल्युबल हो जाएगा। इसलिए बच्चों इधर कंपाउंड्स यानी लोअर मेंबर ऑफ इथर कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से लिख के अल्कोहल से भी आप देख के कर सकते हो, सेम है वैसी है, और इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको लिख लें। बच्चों उसी क्वेश्चन का हिंदी मीडियम लोग के लिए है जिसमें इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन के बीच कंपेयर किया गया है। तो इथेनॉल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मिथॉक्सी मीथेन से अधिक होता है। इसको आप बढ़िया से कॉपी में नोट कर लें। बच्चों यही है मिथॉक्सी मीथेन और इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन
जो एनसीईआरटी में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्कैन शॉट कर लें।